तो करनाल की घरौंडा अनाज मंडी में बीते दिनों से सैकड़ों क्विंटल सरसों की फसल पड़ी हुई है, लेकिन इसकी खरीद नहीं हो पा रही है। पहले बरसात के कारण सरसों की बिकवाली नहीं हुई और अब हैफेड ने कमर्शियल खरीद बंद कर दी है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि किसानों को फसल बेचने के लिए गेट पास भी नहीं मिल रहे हैं। किसानों ने बताया कि उन्होंने कई महीने पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया, बावजूद इसके उनको गेट पास नहीं दिया गया। वे कई दिनों से फसल बिकने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं कि मंडी अधिकारी भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे। मंडी में फसल बेचने आए किसानों को एक बार फिर पोर्टल की खामियों से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि सरसों की सरकारी खरीद शुरू किए जाने का दावा जरूर कर दिया गया है, लेकिन सरसों खरीदी नहीं जा रही। जिन किसानों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, अब वो भी अपनी फसल नहीं बेच पा रहे, क्योंकि तकनीकी खामी के कारण अब तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अब जो किसान है वो जो मंडी यहां पहुंचे थे, अपनी शिकायत लेकर मार्केट कमेटी कार्यालय भी पहुंचे थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह के पोर्टल रजिस्ट्रेशन के जो कागज है उनके हाथ में है कि उनकी फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, तो आखिर उसकी खरीदारी क्यों नहीं हो रही, क्यों सरकारी एजेंसियां खरीद नहीं रही हैं, ये सवाल लेकर मार्केट कमेटी के अधिकारियों से मिले थे, लेकिन कोई वाजिब जवाब जो है अभी तक नहीं मिला है इनको। किसानों से बात कर लेते हैं कि कैसे, क्या दिक्कत है, क्या समस्या जो है मंडी के अंदर बनी हुई है। क्या नाम जी आपका? समर सिंह है जी। तो समर सिंह जी, सरसों की खरीद को लेकर क्या दिक्कत है? दिक्कत के पोर्टल करवा रखा जी हमने, पोर्टल वाला वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, वो नहीं दिया उन्होंने, गेट पास नहीं दिया। कहने लगे भाई 28 तारीख के बाद आना, 28 तारीख के बाद देखेंगे। तो कब लेके आए थे फसल आप? फसल 4 दिन हो गए जी हमने आया ना। तो मौसम तो खराब है। हाँ जी, यहाँ क्या करेंगे फिर? अब क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, फसल अपनी पड़ी है जी मंडी में और क्या करेंगे। आप भी लेके आए थे कागज हैं जो पोर्टल रजिस्ट्रेशन के, दिखाए अधिकारियों को? हाँ जी दिखाए जी। क्या बोला थे? अरे अभी गिल्ली है, फिर अब 4-5 दिन हो गए जी अभी माल पड़ा मेरा, तो आज अभी धूप लगी, मैं सुखाने के लिए लाया हूँ यहाँ। और गेट पास कट नहीं रही है, गेट पास चल नहीं रहा जो पहले कटवा रखा। अच्छा। अब दोबारा वेरीफाई करवाई है मैंने। हाँ। कहते हैं चंडीगढ़ भेजते हैं, अगर देखे अगर आ गया तो नंबर करवा देंगे, नहीं तो चिट्ठी है। आपका क्या नाम है जी? तो आप ये ले रहे हैं कागज को? हाँ जी। वेरीफाई हुआ है? नहीं जी, अभी भी जवाब दे रहे हैं, अभी कंडे का भी चेक करा गया, कहने लगे हम तो परसों चौथा बारिश हुई, बारिश में भी ट्राली अपनी वापसी लेके गए और उसमें स्पेद स्पेद होने लगी, सरसों खराब होने लगी खड़ी खड़ी भी, मतलब यहाँ कोई सुनवाई नहीं। हम लखवा का भी गए थे यहाँ। कितने किसान है जो मंडी में? मंडी में तो काफी किसान है जी, बहुत किसान है, सारी सरसों पड़ी है, सारी छिद्दी हुई पड़ी है, देख सकते हो सारी मंडी में बिल्कुल खरीद नहीं हो, नहीं कोई खरीद नहीं हो रही जी। तो बिल्कुल ये दिक्कतें वही हैं जो लगभग हर सीजन में किसान को झेलनी पड़ती हैं। देख सकते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का ये रजिस्ट्रेशन है और करीब करीब 7 माह पहले इन जो किसान हैं इन्होंने ये रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। और यही तर्क यही जवाब जो है मंडी बोर्ड के अधिकारी भी इन किसानों को दे रहे हैं, लेकिन वजह चाहे कुछ भी हो किसान को एक बार फिर अपनी फसल बेचने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। वहीं बरसात यदि होगी तो सीधा असर इस फसल पर होगा जो पूरी तरह से चौपट हो सकती है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।